हेलो दोस्तों, मैं अशोक आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ट्रांसपोर्ट अड्डा पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज की तारीख है 11 मार्च 2020। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रांसपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया, आज की क्या ट्रांसपोर्ट न्यूज़ है इंडिया के अंदर। तो जो रिसेंट न्यूज़ आई है आज की दोस्तों, यूपी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने सेंटर से फ़ंड की मांग की है। और किस तरह का फ़ंड है, किस लिए मांग किया दोस्तों? व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेट करने के लिए यूपी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सेंटर से फ़ंड की मांग की है। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर, इसे जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, खबर यह है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यूपी का, वहाँ जल्द ही पैनिक बटन के साथ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS डिवाइस वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगाए जाएंगे। परिवहन विभाग ने पहले ही राज्य में एक जो है VLTS व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाने का प्रयास शुरू कर दिया है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर धीरज साहू ने बताया कि हमने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जो वास्तविक समय में किसी भी GPS फिट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो स्थान है उसका पता लगा सकेगा। त्वरित प्रदान करने के लिए वाहन स्थान ट्रैकिंग प्रणाली को संचालित करने के लिए परिवहन मुख्यालय पर नियंत्रण और कमांड सेंटर भी जो है सेट कर दिए गए हैं। तो इसी के लिए उन्होंने जो है सेंटर से फंड की मांग की है। तो दोस्तों, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर धीरज साहू ने यह भी बताया कि जब ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर GPS फिट होगा या फिर जो है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम VLTS फिट होगा, तो किसी भी यात्री को किसी भी तरह की अगर मदद चाहिए या फिर कोई इमरजेंसी है तो उन्हें मदद करने में काफ़ी आसानी मिलेगी। उन्होंने बताया दोस्तों, कंट्रोल और कमांड सेंटर सेटअप करने के लिए 15 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट थी, जो कि पहले से यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRTC द्वारा संचालित किया जा रहा है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि VLTS ऑपरेशन सेंटर जो है सेट करने का काम जल्द ही शुरू होने वाला है, जैसे ही सेंटर जो है फंड को सैंक्शन कर देता है। इसके बाद सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को नोटिस के माध्यम से GPS डिवाइस और कम से कम एक पैनिक बटन लगाने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने कहा दोस्तों कि पुलिस का जो डायल्ड नंबर है 112 112, सेवाओं को VLTS के साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर पुलिस सहायता तुरंत वाहन तक पहुंच सके। तो ये VLTS का सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। केंद्रीय परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नवंबर 2016 में जारी एक गजट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सभी सेवा वाहनों में GPS डिवाइस और पैनिक बटन को अनिवार्य किया गया है और राज्यों से ऐसे सभी वाहनों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए कंट्रोल रूम सेट किए गए हैं दोस्तों। इसका जो रेगुलेशन है दोस्तों, सभी टैक्सी बसेस और सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट में शामिल किया गया है। इसमें दो पहिया, तिपहिया और जो वाहन ई रिक्शा है उनको छूट दी गई है, क्योंकि उन्हें प्लाई के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, उन्होंने ऐसा भी बताया कि अप्रैल 2018 से यह रेगुलेशन इफेक्ट में आ गया है, लेकिन काफ़ी राज्य ऐसे हैं विभिन्न मुद्दों के कारण अब तक इसका अनुपालन नहीं कर पाए हैं। परिवहन विभाग के सूत्रों ने बताया कि केंद्र अभी राज्यों पर इसे जल्दी करने के लिए दबाव डाल रहा है, जिसके लिए यूपी ने पहले ही उन्हें रिक्वेस्ट कर दिया, धनराशि का प्रस्ताव भेज दिया है। इस सिस्टम को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने यह भी बताया दोस्तों कि GPS युक्त वाहन VLTS रडार पर होंगे, जैसे ही इसे दबाया जाएगा या पैनिक बटन तुरंत VLTS ऑपरेशन सेंटर को अलर्ट जनरेट करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि मदद जो है कहाँ पे पहुँचानी है और तुरंत वहाँ पे मदद पहुँचाई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया दोस्तों कि इस सिस्टम का जो मेन मोटिव है वो यह है कि वीमेंस की सिक्योरिटी होगी, स्टूडेंट्स की सेफ्टी रहेगी और किसी भी ट्रैवलर्स को कोई भी इमरजेंसी अगर आती है और उन्हें तुरंत अगर कोई मदद पहुंचानी हो तो वो तुरंत मदद यहाँ से ले सकते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, यह जो सिस्टम है स्पीड को भी जो है कंट्रोल करेगा, अगर आपकी जो ओवर स्पीड होती है तो उसको भी, इसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अधिकारियों के पास आ जाएगी। तो UPSRTC अपनी GPS फिट बसों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए एक VLTS का संचालन अभी भी कर रहा है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आई थी उसमें क्या था दोस्तों कि सिस्टम अक्सर कार्य नहीं करता है और
जो स्पीड का पता लगाने में अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है, जिस पर एक दुर्घटना में पहले जो एक एक्सीडेंट हुआ था उसके स्पीड का अनुमान नहीं लगाया गया था, तो स्पीड का पता नहीं लग पाया था, इसी कारण जो है नया यहाँ पे सेटअप किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की यूपी ट्रांसपोर्ट की न्यूज़। ऐसे ही और भी न्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर